मुमताज़ स्वागत है आपका क्या है आज नाश्ते पर अपने गुजराती अंदाज़ में ये तो बताइए पहले शुक्रिया बहुत बहुत, बहुत आप हमारे घर आए और अच्छा लगा इफ्तार तो नहीं कर पाए बट इफ्तार के बाद हम आपको जो भी सो खजूर से शुरू करते हैं क्योंकि हम इफ्तार इसी से खोलते हैं होली था इस वजह से थोड़ी गुजिया है गुजरात से हूँ इसीलिए खांडवी ढोकला है और इफ्तार की वापस बात करें तो हम लोग फ्रूट के साथ तो पूरे देश का आपने <laughs> मिश्रण कर दिया मैंने देखा पकोड़े भी हाँ, कर दिल्ली, दिल्ली के ब्रेड पकोड़े हैं और ये हमारा टिपिकल आ, आप तो खैर वेजिटेरियन है बट ये हमारे यहाँ इफ्तार में एक गुजरात वगैरह में ये फ्राइड चीजों का काफ़ी एक सिस्टम है तो इसको आ, कहते हैं हम हाफ मून तो ये चिकन की गुजिया आप समझ लीजिए वो कहते हैं गुजरात ही देश को राज कर रहा है ये बात सही है क्या वर्तमान में और पहले भी करता रहा है हमेशा आई थिंक uh, uh, गुजरात के जो लोग हैं वो बड़े ऑन्ट्रप्रनोर uh, जैसे कहते हैं तो एक तरीके से uh, हमेशा से देश और दुनिया पे राज किया है क्योंकि जो उनका बिजनेस सेंस है वो बड़ा स्ट्रोंग होता है तो तरक्की जो गुजरातियों ने करी है उसकी वजह से एक तरीके से देश की इकोनॉमी मुमताज़ आप तो क्या ये बात सही है कि अहमद पटेल की लेगेसी को कैरी करना बहुत मुश्किल है कि बहुत आसान है अहमद uh, पटेल की जो लेगेसी है सच्ची बोलूँ तो अब मैं तीन साल में तो ये सुन सुन के बड़ा थक गई हूँ क्योंकि क्या है अहमद पटेल की लेगेसी और uh, अगर उनको आप उस चीज़ को आप लेगेसी कहते हैं तो वो लेगेसी को एक तरीके से बनाने में उनको 40 वर्ष लगे और अगर इतनी जल्दी हमें छोड़ के नहीं जाते तो क्या पता आगे क्या करते या ना करते पर वी आर डिफरेंट पीपल आई एम नॉट हिम फॉर श्योर आप पर, उनकी बेटी जरूर हों संस्कार जरूर मिले हैं उनके घर में पली बड़ी हों मॉरल वैल्यूज जरूर सीखे हैं पर बिल्कुल अलग पर्सनालिटी है तो आज अगर मैं आपके साथ बैठ के नाश्ता कर रही हूँ और आप यही अहमद पटेल को बोलते तो वो आपको मना कर देते क्योंकि दे वो मीडिया के सामने आप सब जानते हैं बहुत बहुत कम आते थे और आई थिंक मैं मजाक करती हूँ कि जितना पिछले तीन साल में मैं मीडिया के सामने आई हूँ मुझे तो सपने में आते हैं और वो पूछते हैं कि आप ज्यादा कुछ मीडिया में नहीं दिख रही है क्योंकि हॉन्ट करते हैं मुझे पापा से ऐसी कौन सी चीज है जो आपने सीखी है और जो बिल्कुल नहीं सीखी है या नहीं सीखना चाहती हैं बहुत ईजिली लोगों को ट्रस्ट करते थे hmm. और आ, कभी कभी बोला भी उनको मैंने पर अभी इंट्रोस्पेक्ट जब करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि इतना शार्प माइंड उनका था और इतने आ, दाव पेच किए हैं देखे हैं पर कहीं ना कहीं गलत लोगों के बीच में फंस जाते थे और जिन जिन लोगों के बारे में उनको मैंने पॉइंट आउट किया या हमने एज अ परिवार पॉइंट आउट किया आज बोल सकती कि सबने धोखा दिया जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर तो पे आए बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने पर। और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर ABP News न्यूज आपको रखे आगे